और रूस के खिलाफ जारी जंग में यूक्रेन की सेना बड़े जोश के साथ आगे बढ़ रही है और एक एक करके रूस से कब्जे वाले क्षेत्रों को छुड़ा रही है। जंग के मैदान से बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों के सरेंडर करने की तस्वीरें भी सामने आ रही। खेरसोन में रूसी सैनिकों का सरेंडर। कैमरे पर सरेंडर करते दिखे रूसी सैनिक। खेरसोन के तीन इलाकों को रूसी कब्जे से मुक्त कराने का दावा। रूस के खिलाफ जंग में जेलेंस्की की सेना खेरसोन के कई जगहों पर हावी है। यूक्रेन के दक्षिणी सैन्य कमान ने खेरसोन के तीन इलाकों के करीब 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को रूसी कब्जे से मुक्त कराने का दावा किया है। खुद जेलेंस्की ने नोवोवस्केरेनेस, नोवोग्रिगोरिविका और पेट्रोपावलिविका में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। लुहांस में हरिकियोवका को भी आजाद कराने का दावा किया है। बैटलफील्ड में रशियन सैनिकों की हालात बयां करता यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यूक्रेनी आर्म फोर्सेस की घेराबंदी ने रूसी आर्टिलरी फोर्स के भी हौसले पस्त कर दिए। टैंक पर सफेद झंडा लहराकर जा रहे रशियन जवानों को जान बचाने के लिए सरेंडर करना पड़ा। इस दौरान रूसी सैनिक जान की भीख मांगते नजर आए।